अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम शौकीन भाइयों का। उम्मीद है सारे मेरे भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप भाइयों के परिंदे भी अच्छे होंगे। भाइयों, छत पे बैठा हुआ हूँ और तकरीबन 1:45 बजे का टाइम है दिन का, और आज जो है कबूतर छोड़े हुए तैयारी वाले मौसम सरमा की, और 15 कबूतरों की फील्ड छोड़ी हुई है माशाल्लाह से तकरीबन 12:30 बजे की। तो ये आपको शौक कराता हूँ, आते हैं तो ये आ गए कबूतर सामने। ये माशाल्लाह से 15 कबूतर चल रहे हैं, एक इसमें काला है और एक इसमें लाल है, नरमादियाँ मिक्स हैं, ये मिक्स कर दिए अभी। तो मिक्स कर दिए अभी, 15 की फील्ड एक बनाई है और एक 15 की फील्ड और है, यानी 30 कबूतर अभी फ़िलहाल टोटल फड़का रहे, और वैसे इंशाल्लाह टोटल हमने 15-16 ही निकालना है। तो कबूतर चला गया आगे पीछे की तरफ, वो ये रुक नहीं रहे यहाँ घर पे माशाल्लाह से, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से कबूतरों ने हाइट छोड़ दी, क्योंकि इस मौसम में हाइट पर जाते थे और स्मोक थी और बड़े बड़े कीमती कबूतर जो है ना ज़ाया हो गए मेरे। तो बारह अब हमने रखे हुए कबूतर शौक के लिए उड़ाने के लिए टूर्नामेंट में, और अगर ज़ाया होने के डर से हम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना करें तो फिर हमारा जो है ना कबूतर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कबूतर ज़ाया भी होते हैं, बनते भी हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब शौक़ करना है तो फिर रिस्क तो लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मौसम सरमा का शौक़ वैसे जो है अच्छा नहीं है कंपेयर टू मौसम गर्मा, इसमें कबूतर बहुत ज़ाया होता है। कबूतर माशाल्लाह से हाइट उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी, ऊपर नहीं जाते, अब अपनी जो है रिदम में आ गए कबूतर, चाल में आ गए, क्योंकि मैंने कबूतर खोलना ही थोड़ा लेट स्टार्ट किए थे, तो जिन लोगों ने पहले से खोलना शुरू किए हुए थे तो उनके कबूतर जल्दी सेटिंग में आ गए थे, और हमने थोड़ा सा लेट शुरू किए तो कबूतर हमारा कबूतर जो है थोड़ा सा उसको टाइम लगा सेट होने में, और टाइम में कबूतर काफ़ी सारे ज़ाया हो गए। लेकिन बहरहाल चलो जो है उनसे शौक होगा इंशाल्लाह। कबूतर अभी यह है और वापस पलटा नहीं है भाई नीचे की तरफ, छोड़ दिया तो टेंशन ख़त्म हो गई मुझे, क्योंकि हाइट करता है कबूतर स्मोक होता है ऊपर बेहतर चेंजेस होती है तो कबूतर आउट हो जाता है। बहुत कीमती कीमती परिंदा ज़ाया होगा, इनसे अच्छे अच्छे परिंदे इसमें ज़ाया होगा, लेकिन बात यह है कि कबूतरबाजी है ये परबाजी, परबाजी में जो घर पर बैठा वही सिकंदर, जो घर बैठेगा मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करेगा तो ज़ाहिर है वही ट्रस्टेबल होगा, बेशक वो दूसरों से 2 घंटे कम उड़े, लेकिन जो है ना घर बैठे। तो तैयारी वाले कबूतर जब फड़काना स्टार्ट करे बंदा, तो जब तक वो कबूतर अपनी मर्ज़ी से उड़ रहा होता है ना, फिर वो हमारे काम का नहीं होता, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से चाहे पूरा दिन उड़े 2 दिन उड़े, लेकिन हमारी मर्ज़ी से जब 2 घंटे भी उड़ेगा तो इंशाल्लाह हमें जब उससे टाइम लेना होगा तो हम ले लेंगे। तो कबूतरों को अपने कंट्रोल में लेना, हाथ में लेना, ये एक बड़ी फनकारी है मंतक है। तो कबूतर जो है अब तक हाथ में नहीं आए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह सेटिंग में आ गए, हाथ में आ चुके हैं। ये आए कबूतर देखो, इसी हाइट पर जाता है और इसी हाइट पर कबूतर वापस आ रहे थे, तो अभी कबूतर हाइट नहीं कर रहे माशाल्लाह से, माशाल्लाह खूबसूरत भी लगते हैं। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा भाइयों, एक लाल और एक काला, लाल जो है मादा है इसमें और काला जो है नर है, 15 कबूतर है माशाल्लाह से। इस तरफ जाएंगे ये फिर थोड़े देर में निकल जाएंगे, बस इतनी हाइट करेंगे, इससे ज़्यादा हाइट नहीं करेंगे, इतनी हाइट करेंगे फिर बिल्कुल जाल पे आ जाएंगे जैसे भी बैठ रहे हैं, लेकिन बैठते नहीं हैं, वो अपनी स्टाइल इनका ऐसा है। तो अब जाकर कबूतर सेटिंग में आए, और अभी तक जो है कबूतर सादे हैं, कोई इनको पानी पे नहीं लगाया, कोई रिहाइश पे नहीं लगाया, इंशाल्लाह अगली फड़क से इनको जो है पानी वानी देना स्टार्ट करेंगे, 5 cc पानी उठाना शुरू करेंगे, 5 cc, फिर उसके बाद इंशाल्लाह 7 cc, 7 cc के बाद 10 cc, आहिस्ता आहिस्ता आप कबूतर का पानी बढ़ाएं,
जब वो अपने जिस्म का पानी सारा खुश्क कर ले और उसके बाद जब कबूतर आप उड़ कर आए, आप बैठे, आप उसको जब पकड़ेगा आपको फील होगा यार ये कबूतर अब जो है ना बिल्कुल बॉडी से जो है अपना पानी सुखा चुका हुआ, तो उसके बाद पानी स्टार्ट कराना चाहिए। अक्सर मेरे भाई जल्दी पानी स्टार्ट करा देते तो कबूतर ख़राब हो जाता है, सूज हो जाता है। तो इस बार हमने भी इस चीज़ के ऊपर बड़ा कंट्रोल किया, कबूतरों की सादी फड़के बहुत ली, बिल्कुल उनको पानी कुछ भी नहीं दिखाया। अभी इनको पलटा के छोड़ना शुरू करेंगे, आगे पलटा के पानी की पानी देंगे, इंशाल्लाह इसमें कबूतरों की चाल में मजीद चेंजेस आएंगे। अभी तक तो ऐसी हुआ, कबूतर फिर निकल गया भाई। तो माशाल्लाह से इसमें मेरे पास एक मादा है, ये मादा मेरी उड़ानों में दो बहनें थी माशाल्लाह से बहुत प्यारी उड़ती थी, कुछ शौक कराता हूँ ये भी। तो इसकी एक बहन ज़ाया होगी तो मैंने दूसरी भी रोक दी थी, जोड़ में डाल दी और इसको जोड़ों में मैंने डाला है और इसने माशाल्लाह से अंडे भी दे दिए, नर अंडे पे बैठा हुआ। तो बात यह है कि भाई जो कबूतर दिल पे लगे और इंसान को अंदाज़ा हो कि एक से दस बनते हैं तो उस एक को ज़ाया नहीं करना चाहिए उड़ा के, थोड़ा सब्र करना चाहिए। तो यही हमने किया और इसको यहाँ पर भी माशाल्लाह, ये भी इसी की बहन है, ठीक है, सगी बहन है इसकी, ये भी रोकी है और ये भी जोड़ों में डाल दिए, ये उससे छोटी है, ये भी इंशाल्लाह एक दूसरे दो दिन में अंडे दे देगी। एक ही अंडों पर बैठी हुई है, ये भी इसी ब्रीड में से है। और माशाल्लाह से ये कबूतर मेरा बड़ा अच्छा परवाजी कबूतर था, इसको भी रेस्ट दे दिया परमानेंटली, ब्रीडिंग के लिए रोक लिया। तो ये सिचुएशन है, मतलब यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बिल्डिंग हो रही है। बाकी आपको एक जोड़ा ये है यहाँ पर, ये मैंने न्यू जोड़ा लगाया था, इसके दो बच्चे अभी जाल में शिफ्ट किए हुए, खोले नहीं हैं अभी, और इसने दोबारा अंडे दिए हुए माशाल्लाह से, दो बच्चे इसके ऊपर शिफ्ट किए मैंने अभी लेकिन खोले नहीं है। बाकी यहाँ पर एक काला बच्चा तैयार हो रहा है, ये काले पैर का, दोबारा अंडे भी दिए हुए इसने, अंडों पर बैठे हुए ये बच्चा है माशाल्लाह, काले शाह पैरों का। यहाँ पर जो है एक बच्चा निकला हुआ है और एक निकलने वाला है। तो ये ऑल ओवर सिचुएशन है, ब्रीडिंग भी अच्छी हो रही है, बस मच्छरों से महफूज रखें अपने कबूतरों को भाइयों। इंशाल्लाह फिर आपके साथ कंटिन्यू गपशप रहेगी डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट वीडियोस में। और अब आप भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ और आखिर में एक बार फिर आप भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है और भी भाई मज़ीद इस वीडियोस को देख सकें, एंजॉय करें। अगर आपको कुछ ना भी सीखने को मिले तो एक एंटरटेनमेंट के तौर पर ही आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। मैं कोई इतना बड़ा उस्ताद नहीं हूँ, कोई इतनी बड़ी फ़नकारियाँ मुझे नहीं आती, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ आता है क्लियर कट सी बात है, और वो इंशाल्लाह शेयर करने में कोई हार नहीं है, ठीक है भाई। और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।